अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आप अपने कम से कम 250 रुपये बचा सकते हैं घर बैठे। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊँगी कि आप घर पे ब्लीच कैसे करें और आपको कौन सी ब्लीच यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि जो है, जब भी हम पार्लर जाते हैं तो वो एक नॉर्मल से ब्लीच के हमसे 250 रुपये ले लेते हैं, और ये काम आप घर बैठे 50 रुपीज़ में कर सकते हैं। तो आपको, बहुत से लोगों को डर लगता है कि हम घर पे ब्लीच कैसे करें, कहीं वो हमें हार्म ना कर जाए या हमारी स्किन को कोई मतलब डिफ़िकल्टीज़ ना पहुंचा दे या नुकसान ना कर जाए। तो गाइस, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए हर्बल ब्लीच लेकर आई हूँ। इसके बारे में मैं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं ब्लीच बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लीच बिल्कुल नहीं पसंद है। क्योंकि ब्लीच स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसमें होता है एसिड और वो आपकी स्किन को जला देती है। तो इसका जो हमें रिज़ल्ट है वो हमें काफ़ी एज के बाद पता चलता है। तो इसीलिए मैं ब्लीच बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, बट मुझे ये ब्लीच बहुत अच्छी लगी, ओलिविया ब्लीच। मैंने इसको एक बार यूज़ किया था, अपनी शादी में यूज़ किया था, सीरियसली मेरे को बताऊँ तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ 20 मिनट के लिए पार्लर जाते हैं, 20 मिनट के काम के लिए, तो वो काम आप सिर्फ घर बैठे कर सकते हैं। और अगर आप डरते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लीच करने से पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपकी स्किन ड्राई है, आपके रैशेज हैं, आपकी स्किन पर कट लग गया है, या तो कुछ ऐसे पिंपल्स हैं जो जिनको आपने फोड़ दिया, तो उसमें से ब्लड आ रहा हो, या तो पीप आ गया हो, तो हमें उसके ऊपर तब ब्लीच नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप अपने स्किन किसी डॉक्टर से कंसल्ट करवा रहे हैं, आपका कोई मेडिकल कुछ चल रहा है स्किन का, तो आप बिल्कुल भी जो है ब्लीच यूज़ ना करें, मतलब किसी भी ब्रांड की ब्लीच यूज़ ना करें, क्योंकि इससे आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। तो आपको इस बात की बिल्कुल ज़रूर ध्यान देना होगा। सो ओलिविया ब्लीच आपको कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मिल जाएगा, और ये आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे, किसी भी पार्लर में, या किसी भी स्टोर पे, या किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे आपको ये ब्लीच मिल जाएगी। तो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसमें जैसे हल्दी, चंदन, एलोवेरा, नींबू, तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये कम से कम 2 बार तक यूज़ हो जाएगा, या 2 फेस पे यूज़ हो जाएगा। और ये ऑल टाइप फेसेस के लिए है, मतलब ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, नॉर्मल हो, नेचुरल, जैसी भी स्किन हो आपकी, आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। और ये क्लेम करता है कि आपके स्किन को ये फेयर बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है। और आपको महीने में, मंथ में 2 बार यूज़ करना है, मतलब 15 दिन के बाद आपको ये ब्लीच यूज़ करनी है। हर्बल इन्ग्रीडियंट्स होने की वजह से ये आपके बालों की ग्रोथ को ख़त्म करने की कोशिश करता है, इस फेस के ज़्यादा जो बाल होते हैं तो उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो हमें इसमें 3 चीज़ें मिलेंगी। तो पहला है ये क्रीम एक्टिवेटर, एंड देन मिलेगा आपको एक स्मॉल सा स्पैचुला, बहुत ही क्यूट सा है ये। और फिर आपको एक मिलेगा इंस्ट्रक्शन पेपर कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। तो गाइस, मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे यूज़ करना है, तो हमें इसकी ज़रूरत तो है नहीं। तो चलिए हम क्रीम को खोल के दिखाते हैं। तो हमें क्रीम में यहाँ पे 2 कैप्स मिली हुई, ताकि इसमें एयर बिल्कुल भी ना जाए। एंड हम इसको यहाँ पे इसका आधा यूज़, क्योंकि इसको 2 बार यूज़ करना है, तो हम इसकी आधी क्रीम निकाल लेंगे। तो गाइस, हमने इसकी आधी क्रीम निकाल ली। अब हम दोबारा से इस पैक को अच्छे से सील करके रख देंगे, ताकि इसमें एयर ना जाए, हम इसको सेकेंड टाइम यूज़ कर सकें। और अब हम यूज़ करेंगे एक्टिवेटर। तो ये हर्बल है, तो ये हमारे स्किन को नुकसान बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें भी हमें 2 कैप्स मिले हुए हैं, ताकि इसमें एयर बिल्कुल ना जाए। तो हम यहाँ पर अपना एक्टिवेटर ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 पिंचेस एक्टिवेटर यूज़ किया है, एंड हम दोबारा इसको पैक करके रख देंगे। अब हम ब्लीच को मिक्स करेंगे। तो गाइस, हमें ब्लीच को अच्छे से मिक्स करना है, अभी काफ़ी देर तक मिक्स करना है, करीबन 15 मिनट तक उससे, मतलब इतना आप इसको मिक्स करो कि इसकी जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाए, मतलब ये एकदम जो है फ्लफी सा हो जाए, इतना आपको इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए गाइस, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको इस तरीके से इसको मिक्स करना है, जैसे हम
दही फुल्कियाँ बनाने के लिए बेसन को फेंटते हैं, उसी तरीके से हमें इसको भी जो है इतना मिक्स करना है कि ये एकदम की क्वांटिटी डबल हो जाए। गाइस देखिए, मैंने अपने ब्लीच को अच्छे से मिक्स कर लिया, उसकी क्वांटिटी डबल हो गई है। तो ब्लीच यूज़ करने से पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना हो, तो हमें अपने फेस को क्लीन कर लिया है। तो ब्लीच यूज़ करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो आपको अपना एक पैच टेस्ट करना होगा। तो पैच टेस्ट कैसे होता है, हमें अपने साइड में एकदम अपने ब्लीच यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारा पैच टेस्ट, अब हम इसको अपने पूरे फेस पर यूज़ करेंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपने फेस पे और नेक पे ब्लीच यूज़ कर ली है, और ब्लीच लगाने के बाद थोड़ी बहुत इचिंग होती है, ये नेचुरल है, तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं। और अगर ज़्यादा इचिंग हो तो आप अपना ब्लीच रिमूव कर सकते हैं, और ये आपको 15 मिनट्स तक रखना है अपने पूरे फेस पे। और गाइस ये क्लेम करता है कि आप इसको अपने हाथों पैरों बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको अपने खाली सेंसिटिव एरियाज में बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें इचिंग होती है तो आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। और आप इसको अपने हैंड, लेग और नेक वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब 15 मिनट्स हो गए हैं हमारे ब्लीच को मेरे फेस पे, अब मैं इसको रिमूव करूँगी। तो गाइस मैंने इसको अपने पूरे फेस से हटा लिया, अब मैं इसको क्लीन क्लोथ से अपने फेस को क्लीन करूँगी। तो गाइस हमने अपने फेस से पूरी ब्लीच हटा ली है, अब हम इस एक वेट क्लोथ से अपने फेस को और क्लीन करेंगे। तो गाइस मैंने अपना पूरा फेस क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा ये ग्लो कर रहा है। और मैं आपको बता दूँ, पर्सनली ब्लीच तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि यूज़ करना भी नहीं चाहिए, बट फिर भी आप कभी कभी अगर कोई भी ओकेजन है या वेडिंग है आप तब यूज़ कर सकते। वीडियो कैसी लगी और मेरे प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और हर्बल है, ये नॉर्मल जो दूसरी ब्लीचेज होती हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, और आपके फेस पर बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे इचिंग भी नहीं हुई इसको लगा कर, और मुझे बहुत ही अच्छा फ्रेश सा फील हो रहा है, और ये ग्लोइंग भी है और अच्छी है। और इसकी प्राइस है 45, तो आप घर बैठे 45 रुपीज़ में अगर ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, और आपको 200-300 रुपीज़ खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।